हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा गुड़हल का पौधा है पुराना, जो कि मेरा पूरा सूख गया इस गर्मियों में। और ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल था, मैंने सोचा था शायद आ जाएगा, क्योंकि बारिशों में कुछ कुछ पौधों में लीफ आ गई हैं। 2-3 पौधे मेरे ऐसे थे जिनमें आया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बच पाया। इसको हम देखते रहे कि बच जाएगा, बट ये ख़त्म हो गया। तो मैंने ना इसकी जगह पर गुड़हल का पौधा ख़रीदा था, वाइट वाला, सिंगल पेटल का है, क्योंकि मेरे पास ये कलर नहीं है। बहुत साल पहले था कलर, लेकिन अब भी कलर नहीं था और ये सूख गया था। तो मैंने सोचा कि रेड कलर के तो मेरे पास हो ही गए, तो मैं वाइट वाला ले लेती हूँ। तो इसकी जगह पे ना मैं सिंगल पेटल का ये देसी गुड़हल है, और देसी गुड़हल में आपको पता ही है बहुत भर भर के फूल आते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और सिंगल पेटल का रहता है फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एक और गुड़हल का पौधा था, ये मेरे पास डबल पेटल का था, जो कि मैंने सोचा था रुक जाएगा, लेकिन इसी में मैंने पॉचुला भी लगा दिया था कि चलो पॉचुला ही कटिंग भी मैंने लगा दी थी कि मेरा पौधा अच्छा लगेगा, लेकिन गुड़हल का पौधा बचा नहीं। वो ये देखिए पूरी जड़ भी निकालनी पड़ी, नहीं तो क्या होगा, दूसरा पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए माली ने उस ग्रो बैग से पूरा जड़ को निकाल दिया है। देखिए कितना बड़ा पौधा था, कितना मोटा तना है, आप सोच लीजिए। और ये इसकी पूरी जड़ है, पूरी जड़ तक इसकी ख़राब हो गई है। अब इसकी जगह पे मुझे गुड़हल नहीं मिला, तो मैं गुड़हल जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला, तो मैं इसकी जगह पे टिकोमा ले आई थी। और ये येलो कलर का टिकोमा के फूल आते हैं इसमें, ये लगा दूँगी यहाँ पे, और बिल्कुल आगे की तरफ है। और पता है क्या, जब आ रहे थे ना पूरा, जब हम अपने गार्डन में, मैं खुद एंटर करती हूँ टेरेस गार्डन में, 3rd फ्लोर में मेरा गार्डन है, तो बिल्कुल सूखा सूखा सा, क्योंकि इतने पौधे मरे हैं इस गर्मी में ना, बहुत पौधे मरे हैं। तो इस तरीके से देखिए ना, अभी मैंने मतलब काफ़ी मैक्सिमम पौधे मैं लगा चुकी हूँ। जो पौधे मेरे ख़त्म हो गए थे मैंने ला ला के, वो पौधे उसी जगह पे लगाए हैं, ताकि मेरे उसमें गार्डन में ग्रीनरी लगे। क्योंकि क्या था, बीच में इतना दुख होता है, आपको पता ही है, जो गार्डनर लवर, जो गार्डन को पसंद करते हैं ना, उनको बहुत बुरा लगता है जब उनके पौधे सामने सामने मर जाते हैं और एकदम खाली खाली पंसा लगने लग जाता है, और मुझे तो बहुत ही दुख होता है। और देखिए ना, अब देखिए मैंने जहाँ जहाँ पर जो पौधा ख़त्म था वो लगा दिया है, और मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पौधे मैंने इस बार ख़रीदे हैं। और सब्जियों वाले गार्डन में भी आपको पता है मेरी सब्जियाँ नहीं हुई थी, लेकिन अब जो लग रहा है ना, बहुत ग्रीनरी दिखने लग गई है, कि हाँ अंदर घुसो, गार्डन के अंदर आओ तो कितना सुंदर लगता है कि ग्रीनरी हर जगह में। और पॉचुला भी अब ग्रोथ करने लग गया है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करने लग गया है, उसमें भी फूल आने लग गए हैं। और मेरे पास ज़्यादा येलो, रेड और पिंक कलर का जो मेरा हर साल रहता है ये देसी पॉचुला, वो ही लगा है। लेकिन अभी मैं शाम के समय में आई हूँ ना, तो इस समय पॉचुला तो आपको पता है वो मॉर्निंग का रहता है, ताकि धूप आती है तो खिले रहते हैं, धूप जाती है तो बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि मैंने सब्जी वाले गार्डन में भी थोड़े से परमानेंट वाले हार्डी प्लांट लगाए हैं, और आगे फ्लावर वाले गार्डन में तो लगाए हैं। और अभी देखिए ना, बोगनविलिया में इतना फूल आ रहा है, जो उसकी वजह से भी ना गार्डन बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि बोगनविलिया मेरे इधर भी रखे हैं, और फ्रंट की साइड भी सारा बोगनविलिया रखा है, उसमें भी अलग अलग कलर है, और सब में फूल आने लग गए हैं। तो अब मेरा गार्डन ना बहुत सुंदर लगता है, मतलब अच्छा लगता है, अब एकदम खाली खाली सा ही लगता है। और कूचिया भी देखिए ग्रोथ करने लग गया है, बस ये 2 महीने और हैं, पॉचुला भी अच्छा फूल देगा, उसके बाद तो इसका सीज़न ख़त्म हो जाएगा, तब फिर विंटर की फ्लावरिंग के लिए सीड्स डाले जाएंगे, और छोटे छोटे से पाउट लेकर आने पड़ेंगे, फिर वो लगेंगे। लेकिन जब तक है, अभी देखिए गार्डन में लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, मतलब ग्रीन अंदर घुसो तो बहुत अच्छा लगता है। पॉचुला के फूल मॉर्निंग के समय आओ तो पॉचुला के फूल भी खिले होते हैं, और पूरा गार्डन में ग्रीनरी लगती है। बस फ्रेंड्स, मैंने आज यही काम किया है। अभी भी आपको मेरा गार्डन थोड़ा मैसी लग रहा है, क्योंकि अभी हमारी सफाई करनी बाकी है। देखिए जगह जगह में जो सामान पड़ा हुआ है वो पूरा गार्डन क्लीन करना है, थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू लगाना है पूरा उस, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है, टाइम लगता है, एक दिन में पूरा काम नहीं हो पाता है। और मैंने बीच बीच में ना पूरे, आप देखिए मेरे ना, मैंने बीच बीच में इस बार ना चंपा के पौधे जो मेरे पहले अलग अलग एक साथ कर रखे थे उनको अलग अलग कर दिए हैं, और बीच बीच में लगा दिए हैं, ताकि मेरे जो गार्डन में ना हमेशा ग्रीनरी बन रही है, और जब इनके जो छाया से ना और पौधे ना मरे। क्योंकि इस बार क्या था, इस बार की गर्मी बहुत भयंकर पड़ी, जिसकी वजह से पौधे बहुत मरे। और देखिए बोगनविलिया कितना सुंदर है, पीछे देखिए ना, पूरा कलरफुल बोगनविलिया लगे हुए। अब यहाँ पे भी अब सब्जियों से मतलब अगस्त से तैयारी शुरू हो जाएंगी सब्जियों की,
उसके बीज बीज डाले जाएंगे। और ये देखिए मेरा अलमांडा का पौधा, देखिए कितना बड़ा ग्रोथ कर गया ना, ये पूरा बेल बन रही है। और माली भी अभी डाल रहे हैं पानी, बस इतना सही वीडियो देना था, पसंद आए तो